कोलकाता या कलकत्ता, ये भारत का 300 साल पुराना शहर है और ये काफी सालों तक भारत की कैपिटल भी बना। अब ये शहर 4 मेट्रो सिटीज में से एक है। कलकत्ता में गंगा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्राम है, हैंडपुल रिक्शा है, विक्टोरिया मेमोरियल है, काली घाट है, दक्षिणेश्वर है और दुर्गा पूजा है। आओ, मैं आपको लेकर चलता हूं अपने साथ कोलकाता। My name is Rahul. It's been 12 midnight. आज एक नई लोकेशन पे जा रहे हैं। Today we are flying to Kolkata. So अभी मैंने दो बैग रेडी किए हैं। One is my camera bag. One is my camera bag and my baggage. तो हम कोलकाता की प्रीवेडिंग के लिए जा रहे हैं। पर ये ब्लॉग जो है प्री वेडिंग ब्लॉग ना हो करके ये एक ट्रैवल ब्लॉग रहेगा, तो देखते हैं कैसा रहता है आगे। मैंने लक्ष्मी नगर के लिए टैक्सी बुक कर ली है। टैक्सी बस 2 मिनट में आने वाली है, तो यहाँ से मैं पंकज के पास जाऊँगा और वहाँ से हम एक दूसरी कैब से फिर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। पंकज के घर से निकल चुके हैं और पंकज के फादर हमारे साथ अभी गाड़ी में हैं। तो जी से हाय। हाय, वेरी गुड। तो बस हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, फिर वहां से आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। हमारी फ्लाइट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से है। शुभम हमें एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे। सो सेफ्टी प्रिकॉशंस आर ऑन, ग्लव्स एंड मास्क। अभी हम अपने गेट नंबर की तरफ जा रहे हैं। ऑलरेडी एयरपोर्ट के अंदर हैं। मास्क की वजह से चश्मे पे फोग भी हमारा है। चार बज गए हैं और हमारी फ्लाइट 5 बजे की है, तो अभी हम अपने गेट पर बैठे हुए हैं। एंड दीज आर दी शील्ड, फेस शील्ड, तो अभी इनको पहनना है। इट हैव सैनिटाइजर्स एज वेल, चेक। I have wear the face shield now and my specs are fully fogged. शुभम, पंकज। So finally in the aeroplane. फ्लाइट से सनराइज बहुत ही सुंदर लग रहा है।
और अब हम कोलकाता लैंड करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं कोलकाता और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कोलकाता का सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। हमारा होटल बुक्ड है ऑलरेडी, तो अभी हम पहले होटल जाएंगे। वी आर वेटिंग फॉर आवर कैब। ये है कोलकाता की सड़कें। हमारा होटल अलीबाग में है। होटल चेक इन करने के बाद हम कुछ पेट पूजा करेंगे। वी ऑल थ्री आर वेजिटेरियन, तो देखते हैं कि क्या मिलता है हमें खाने के लिए। तो हमें ये एक प्लेस मिला है ब्रेकफास्ट के लिए। बर्गर भी है वेज? कौन सा? ये मिक्स वेज बर्गर कर दो। हमने ऑर्डर किया है पनीर बर्गर और पनीर सैंडविच। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं पनीर बर्गर एंड पनीर सैंडविच। ब्रेकफास्ट के बाद हम प्री वेडिंग शूट पर आ गए हैं। ये है जेम्स प्रिंसेप मेमोरियल, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है। हम लोग अभी बाबू घाट रिवर किस पर हैं? रिवर साइड, रिवर फ्रंट। तो हम लोग अभी बाबू घाट रिवर फ्रंट पर हैं। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। बाबू घाट ब्रिटिश राज के दौरान बनाए गए कई घाटों में से एक है और ये हुगली नदी के किनारे पर है। पहले इस घाट का नाम बाबू राजचंद्र घाट था। अब इसे बाबू घाट कहा जाता है। बंगाली में बाबू का मतलब होता है जेंटलमैन। कोलकाता में बाबू घाट पर लोग छठ पूजा करते हैं और दुर्गा विसर्जन भी यहां पर किया जाता है। आप देख सकते हैं दुर्गा विसर्जन की तैयारियां। वेडिंग शूट करते हुए काफ़ी रात हो गई है, लेकिन नाइट में कोलकाता की सड़कें कलरफुल लाइट्स के साथ बहुत ही जगमगा रही हैं। अब हम जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल। गाइस, अभी हम हैं विक्टोरिया मेमोरियल पे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लुक बिहाइंड मी, दिस इज विक्टोरिया मेमोरियल। ऑसम व्यू। नाइट व्यू बहुत प्यारा लग रहा है इस समय विक्टोरिया मेमोरियल का। विक्टोरिया मेमोरियल क्वीन विक्टोरिया की याद में मार्बल की बनी हुई बिल्डिंग है। ये 1921 में बनकर तैयार हुई थी। आज का दिन विक्टोरिया मेमोरियल पर ही एंड करते हैं।
कल पास ही के एक दुर्गा पूजा पंडाल में जाएंगे। मैं अभी एक दुर्गा पूजा वाले पंडाल में हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा पंडाल लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम जा रहे हैं दक्षिणेश्वर। आप देख सकते हैं सामने दक्षिणेश्वर मंदिर। यह है दक्षिणेश्वर मंदिर। आज शायद ये बंद है, हम अंदर नहीं जा पाएंगे। अब हम हुगली नदी के वेस्ट में जा रहे हैं, वहाँ से प्लान करेंगे दक्षिणेश्वर आने का। हमें कुछ और इमेजेस भी क्लिक करनी है वहाँ से प्री वेडिंग की। यह है हुगली का वेस्टर्न बैंक। दक्षिणेश्वर काली मंदिर एक हिंदू नवरत्न मंदिर है। ये हुगली नदी के ईस्टर्न छोर पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1855 में रानी रश्मोनी, जो काली की एक बहुत बड़ी भक्त थी, उन्होंने करवाया था। यह मंदिर रामकृष्ण परमहंस से भी एसोसिएटेड है। हम जा रहे हैं अभी राजबाड़ी। राजबाड़ी जाने के लिए हम हावड़ा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर एक कैंटिलीवर पुल है। ये पुल हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। इस पुल को रविंद्रनाथ सेतु भी कहते हैं। दुर्गा विसर्जन की तैयारियां। हम आज आए हुए हैं कालीघाट मंदिर। आज हमारी फ्लाइट है बैक टू दिल्ली, तो उससे पहले हमने सुबह सोचा कि कुछ शहर घूम लिया जाए।
यह कोलकाता की मशहूर विंटेज ट्राम। ऑन द वे टू कालीघाट टेम्पल इस रोड को कालीघाट मंदिर रोड भी कहते हैं। शायद मंदिर के अंदर हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। आप देख सकते हैं रोड के किनारे पर पूजा से रिलेटेड शॉप्स हैं। ये कालीघाट काली मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो देवी काली को समर्पित है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। कालीघाट काफी पहले जब हुगली को आदि गंगा कहते थे तब इसके किनारे पर होता था। कोलकाता का नाम भी कालीघाट से लिया गया। समय के साथ नदी दूर चली गई। अब मंदिर आदि गंगा नामक एक छोटी सी नहर के किनारे है जो हुगली को जोड़ती है। हमने काली माता के दर्शन कर लिए हैं और काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर। अब हमें लगी है भूख तो खाने की तलाश जारी। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक नॉर्थ इंडियन फूड बेसिकली एक ढाबा मिला है। आप लंच कह लीजिए या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हमने दाल मखनी वेज कोरमा और तंदूरी रोटी ऑर्डर की हैं। पेट भर खाना खाने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने होटल की ओर टू पिक अवर बैगेज। सो इट्स बीन 3 days नाउ इन कोलकाता एंड वी आर हेडिंग बैक टू दिल्ली। तो अभी एयरपोर्ट पे आ चुके हैं हम। ये 3 दिन काफी हेक्टिक बीते कोलकाता में। प्री वेडिंग शूट्स भी काफ़ी अच्छा रहा। उम्मीद करता हूँ फिर आने का मौका मिलेगा यहाँ। हमारी फ्लाइट ये है बर्ड आई व्यू ऑफ दिल्ली। Finally, we reached
एट दिल्ली। बस आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।